साथियों, मेरे साथ में बहुत सारे दोस्त यहाँ आए हैं। मैं खुद कश्मीर से आई हूँ, मेरे साथ ही रामा उड़ीसा से आए हैं, जिग्नेश भाई गुजरात से आए हैं, तीस्ता जी बंबई से आई है, हमारी बहन गुरमेहर कौर पंजाब से आई है। हम आपको क्या भाषण देंगे? जिस धरती ने, जिस जमीन ने ऐसा बेटा पैदा किया हो, जिसने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया हो, उस धरती को हम लोग क्या भाषण देंगे? हम लोग भाषण देने नहीं आए हैं, एक विनती करने आए हैं, आपके सामने एक गुजारिश लेकर आए हैं कि आज इसको बेगूसराय का इलेक्शन मत समझना, इस इलेक्शन को बेगूसराय का इलेक्शन मत समझना, ये देश की तकदीर का, देश के भविष्य का इलेक्शन करने जा रहे हैं। हम आज से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आपसे, आपके सामने गुजारिश करते हैं कि इस देश को जिस नेता की जरूरत है, दशकों से जिस नेता का इंतजार है, इस देश को वो नेता देंगे कि नहीं देंगे? हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने साथियों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को जो बाहर काम करते हैं, उनसे कहें कि वापस आइए, वापस आके अपना वोट कास्ट कीजिए, उसके बाद वापस जाइए, इलेक्शन के दिन यहाँ पे जरूर रहिएगा, इस चीज को आप लोग एंश्योर करें। प्रत्याशियों से कोई लड़ाई नहीं है, बाकी प्रत्याशी है तनवीर साहब है, गिरिराज साहब है, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने आज तक आपके साथ काम किया होगा, मानते हैं, एकदम मानते हैं इस बात को, उन्होंने आपके साथ शाना बशाना काम किया होगा, आपके दुख दर्द में शामिल हुए होंगे, होंगे, लेकिन आगे आने वाले दशकों में, आगे आने वाले सालों में कौन नेता होगा जो आपके साथ खड़ा होगा? आपको आज उस नेता को चुनना है जो आने वाले समय में ईमानदारी से आपके साथ खड़ा होगा, ईमानदारी से आपका काम करेगा। हमारी बीजेपी के वोटरों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं एक बात साफ करना चाहती हूँ, हमारे बीजेपी के वोटरों से कोई दुश्मनी नहीं है, उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया था, उन्होंने एक नई सोच के लिए वोट दिया था, उन्होंने सोचा था स्थिति बदलेगी, उन्होंने सोचा था कि देश में जो करप्शन है शायद वो भाजपा की सरकार दूर करेगी, लेकिन क्या करप्शन दूर हुआ? क्या देश की स्थिति बदली? जिन लोगों ने नोटबंदी की, क्या आपको नोटबंदी याद है किस तरह से लोगों को दूध के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए मजबूर किया गया, लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, 110 लोगों की हत्या हुई। मैं इसको हत्या कहूंगी क्योंकि वो लाइनों में खड़े होकर हमारे बुजुर्ग साथी, किस तरह उनकी जान निछावर होगी इस नोटबंदी के पीछे। जिन लोगों ने इस देश में नोटबंदी की, उनकी 29 तारीख को वोट बंद नहीं करिए, उनको एक भी वोट नहीं लेना चाहिए। तमाम तरह के टैक्स, जीएसटी और न जाने क्या क्या लाए, कहते हैं हर रैली में, कहते हैं हमने शौचालय बनाए, शौचालय बनाए, शौचालय बनाए, ग्राउंड पे अगर उसकी आप स्थिति देखें, लोगों ने शौचालय बनाए, क्या उनको पैसा मिला शौचालय बनाने का? तो ये सरकार जो छोटे से छोटे वादे को लेकर, बड़े से बड़े वादे को लेकर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, इस सरकार को बदलना है, इस सरकार को बदलने का काम हमारा भाई कन्हैया करेगा। मैं जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ, मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करूंगी, मैं कन्हैया जी की झूठी तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन जब हम लोग यूनियन में थे, जब हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन में थे, वहां पर हम लोग अलग अलग पार्टियों से थे, रामा भाई अलग पार्टी से थे, मैं अलग पार्टी से, और कन्हैया जी अलग पार्टी से, लेकिन हमें साथ में चलना सिखाया कन्हैया भाई ने, साथ में काम करना सिखाया कन्हैया भाई ने, आपस के भेदभाव मिटाकर, मतभेद मिटाकर एक साथ काम करना सिखाया कन्हैया भाई ने। तो आज चाहे आप राजद के वोटर हो, चाहे आप कांग्रेस के वोटर हो, चाहे आप भाजपा के वोटर हो, आपसे अपील है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारा भाई निष्पक्ष होकर काम करेगा, हर एक धंधे के साथ काम करेगा, वो चाहे जिस पार्टी का, जिस धर्म का हो, जिस मोहल्ले का हो, हर एक आदमी के लिए काम करना आता है कन्हैया कुमार को, और यही कन्हैया कुमार की खासियत है, इसीलिए पूरे देश के युवा आज इनके साथ है। आप
आपसे इसी गुजारिश के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि आप हमारे भाई को संसद में पहुँचाएंगे। मैं तो बहुत नाइंसाफी होगी, बहुत से मजलूमों की आवाज संसद से बाहर गिर जाएगी। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। जयप्रिया।